बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे माय लेक्चर इज़ ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आपके पास एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी ख़ास इंटरवल में जिन फंक्शंस का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी इंक्रीज हो रहा होता है, और कुछ इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, यानी उसकी वैल्यूज़ कम हो रही होती हैं। जिस फंक्शंस की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही होती हैं, यानी जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं और फंक्शन की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं, यानी एक्स के बढ़ने से फंक्शन की वैल्यूज़ भी बढ़े हैं। जैसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, अगर आपको आइडिया हो इन्वर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके करॉस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो उसके करॉस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, हो गया। तो जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, उसी सेम कंसेप्ट के साथ ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे उसके करॉस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी। अगर एक्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो फंक्शन की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगी, तो उस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर जैसे इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ जो है वो कम हो, और एक चीज़ के कम होने से अगर दूसरी चीज़ बढ़ जाए, तो उस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी अगर आप एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो उसके करॉस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो कम होंगी, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस ग्राफ से आप मतलब फिगर से 22 से देख सकते हैं कि ग्राफ ए और बी, ए से डी तक आपके पास कोई भी इंटरवल है, फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक, और फिर बी से लेकर सी तक है, फिर सी से लेकर डी तक है, ये डिफरेंट, यानी पूरा इंटरवल ए से डी तक है, उन्होंने उसके सब इंटरवल बनाए हैं ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक। अब अगर आप ए से लेकर बी तक देखें, एक्स की वैल्यूज तो बढ़ रही हैं लेकिन उसके करॉस्पॉन्डिंग ग्राफ भी ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब है ए से लेकर बी तक जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और बी से लेकर सी तक देखें तो ग्राफ बी से लेकर सी तक ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। इट मीन कि बी से लेकर सी तक ग्राफ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इस इंटरवल में सी से लेकर डी तक आपके पास देखें ग्राफ की वैल्यूज़ फिर ऊपर जा रही हैं, इट मीन के इस इंटरवल में फिर ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो ग्राफ शोज इन द फिगर 22 राइज फ्रॉम ए टू बी, फॉल्स फ्रॉम बी टू सी एंड राइजेज अगेन फ्रॉम सी टू डी। तो फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए टू बी, डिक्रीजिंग ऑन बी टू सी एंड इंक्रीजिंग इन सी टू डी। तो नोटिस डैट इफ़ एक्स वन एंड एक्स टू आर एनी टू नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, यानी अगर आप ए और बी के दरमियान कोई भी नंबर लें, एक्स वन और एक्स टू ले लिया है, तो देखें एक्स वन तो एक्स टू से छोटा है लेकिन उसकी फंक्शन वैल्यू भी उससे छोटी है। यही चीज़ हमने यहाँ से नोटिस की है कि अगर एक्स वन एक्स टू से छोटा है तो उसकी फंक्शन वैल्यू भी छोटी है। इसका मतलब है कि अगर जैसे जैसे एक्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो फंक्शन वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यही डेफिनेशन यहाँ इन्होंने लिखनी है कि कोई भी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग किसी भी इंटरवल के अंदर तब होता है अगर आप एक्स वन अगर एक्स टू से छोटा है किसी भी इंटरवल में, आपने इंटरवल में से कोई से दो पॉइंट लिए, एक एक्स वन एक एक्स टू, तो एक्स वन की फंक्शन वैल्यू एक्स टू की फंक्शन वैल्यू से भी छोटी होगी। अगर एक्स वन एक्स टू से छोटा है तो उसकी फंक्शन वैल्यू भी छोटी होगी, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर आपके पास कोई फंक्शन है अगर किसी भी इंटरवल के अंदर डिक्रीज़ कर रहा है, तो डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाएंगे फंक्शन वैल्यू कम होंगी, तो उसका मतलब ये है कि एक्स वन अगर एक्स टू से छोटा है तो उसकी फंक्शन वैल्यू उसकी फंक्शन वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, यानी अल्टरनेटिव साइन हो जाते हैं ये। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं डिक्रीजिंग कहते हैं। ये डिक्रीजिंग को भी आप ग्राफ से देख सकते हैं, ये देखें यहाँ इस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं बी और सी और के दरमियान कोई पॉइंट लूँ, एक पॉइंट जब यहाँ लूँगा देखें इसकी फंक्शन वैल्यू ये आ रही है, और बाद में पॉइंट लूँगा तो इसकी फंक्शन वैल्यू ये आ रही है, लेकिन पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से छोटा है लेकिन फंक्शन वैल्यू बड़ी है। तो यही बात उन्होंने यहाँ लिखी है कि अगर एक्स वन एक्स टू से छोटा है लेकिन उसकी फंक्शन वैल्यू बड़ी है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। थैंक यू।